कैंट पुलिस ने बिहार राज्य की घटना को गोरखपुर का बताकर फर्जी ट्वीट करके चुनाव में जातिवादी रूप देकर समाज में अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को ग्राम बदलापुर थाना बदलापुर से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान भिक्कन सिंह उर्फ विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीर सिंह जाटो निवासी बदलापुर थाना बादलपुर जनपद गौतमपुर बुद्ध नगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक मोबाइल व सिम बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त भिक्कन सिंह उर्फ विक्रम सिंह ने पूछने पर बताया कि मैं बदलापुर का रहने वाला हूं और बीएसपी कार्यकर्ता हूं तथा बीएसपी मिशन से जुड़ा हुआ हूं। मुझे 24 फरवरी को इंटरनेट के माध्यम से एक जले हुए लड़के की फोटो प्राप्त हुआ था और उसे गोरखपुर जिले से संबंधित बताई गई थी तथा उसमें वर्णित था कि ये मृतक गोरखपुर जिला का बसपा का समर्थक है, जिसको भाजपा समर्थक ने भाजपा को वोट देने को कहा और इसने इनकार कर दिया तो इसको जलाकर मार डाला गया और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने ये बातें व फोटो अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ट्वीट किया था तथा मैं करीब 2 वर्षों से ट्विटर अकाउंट चलाता हूं और अपने मिशन से संबंधित बातों को ट्वीट करता हूं। चूंकि गोरखपुर ज़िले में चुनाव था, इस कारण मैं अपने लोगों को जागरूक करने के लिए ये ट्वीट किया था। जब ट्विटर अकाउंट होल्डर की जानकारी पुलिस द्वारा की गई तो पाया गया कि उक्त ट्विटर अकाउंट होल्डर मोबाइल नंबर से ट्विटर अकाउंट खोला है। इसका नाम पता की जानकारी कर पुलिस टीम द्वारा ग्राम बदलापुर थाना बदलापुर गौतम बुद्ध नगर से अभियुक्त भिक्कन सिंह उर्फ विक्रम सिंह पुत्र स्वर्गीय रघुवीर सिंह जाटो निवासी बादलपुर थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से ट्वीट किया गया मोबाइल व सिम बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपनी गलती को स्वीकार किया गया। फोटो की जाँच से ये बिहार प्रदेश के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के अकबरपुर फकीराना टोले में बूढ़ी गंडक के समीप शव मिला था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक महेश चौबे, कांस्टेबल शशि शंकर राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा जी, इसमें 2 दिवस पूर्व एक ट्वीट किया गया था जिसमें कि एक राजनीतिक पार्टी द्वारा दूसरे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को जलाकर मार डालने की उसमें ट्वीट में जानकारी दी गई थी। जब तथ्यों की जांच की गई तो ट्वीट झूठ पाया गया। इस पर तत्काल सोशल मीडिया सेल द्वारा थाना कैंट पर मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसमें छानबीन करते हुए आज एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने वो ट्वीट किया था। जानकारी में पता चला कि युवक ने सनसनी फैलाने के लिए ट्वीट किया था और इस पर उसे गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।